दारी एक लड़का था, वह बड़ा सच्चा और ईमानदार था। एक दिन वह पड़ोसी के घर गया। पड़ोसी कहीं बाहर गया हुआ था। उसके यहाँ एक टोकरी में बहुत से सेब रखे थे, बड़े बढ़िया सेब थे। लड़के को सेब बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसने उनको हाथ तक नहीं लगाया। पड़ोसी लौटा तो देखा सारे सेब ज्यों त्यों रखे हैं। उसने लड़के से पूछा, क्यों तुम्हें सेब पसंद नहीं है क्या? लड़के ने कहा, मुझे सेब बेहद पसंद है। पड़ोसी आश्चर्यचकित होकर बोला, तो तुमने खाए क्यों नहीं? लड़के ने कहा, कैसे खा सकता था। पड़ोसी बोला, क्यों इनमें क्या बात थी? कोई देखने वाला तो था नहीं? लड़के ने कहा, इससे क्या हुआ, कोई दूसरे देखने वाला हो या ना हो, मैं तो देख रहा था। मैं अपने को बेईमानी करते देखना हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। पड़ोसी इस बात को लेकर गदर गदगद हो गया। उसने कहा, तुम ठीक कहते हो भाई, आत्मा सब में है और वह हमारे भले बुरे सब कर्मों को देखती रहती है। अप्रिय होने पर भी पथ्य का परिणाम सुखोत्पादक होता है। अंत जहाँ पर अप्रिय होने पर भी पथ्य कहने वाला वक्ता और अप्रिय पथ्य को सुन वाले सेता होते हैं, वहाँ पर लक्ष्मी निवास करती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो जो अपनी चीज है उसी को भी लेना सीखे, परे चीजों के ऊपर कभी भी मत लेना सीखे, और कोई भी चीज को जूठा मत छोड़िए। जितना आपको उचित मात्रा में भाता है उतना ही खाए, ज़्यादा खाना वेस्ट ना करें, क्योंकि किसान की हालत बहुत बहुत खराब है। इसलिए हम भी एक किसान हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।